सुबह के 6:30 बजे हैं और ये आप देख रहे हैं पहाड़ का व्यू। और ये जो आप बादल से देख रहे हैं, ये रिवर में से उठती हुई बादलों जैसी धुंध है। ये पहाड़ी लोग कहते हैं जब भी बरसात होती है तो नदी में से इस प्रकार की धुंध उठती रहती है। देखिए, जो थोड़ी देर पहले धुंध थी अब वो बादल बन गए हैं। ये देखिए, पूरी वैली में बादल ही है। गाइस, व्हाट्सअप। तो अभी हम जा रहे हैं ऑर्गेनिक गांव में, जैसे आटा पीसने की जो चक्की होती है वो देखने, और उसके बाद हम जाएंगे नदी में। ये तीसरा दिन है हमारा यहाँ पे, और दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है आगे, फिर देखते रहो पूरी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा तीसरा दिन है। सुबह की टी के बेड टी के बाद अब हमारे पास आ गया है साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, और सारी इसमें चीज़ें हैं, इडली, वड़ा, उत्पम, सांभर, चटनी, कॉर्नफ्लेक्स और गर्मा गर्म चाय। तो इसका आनंद लेने का टाइम आ गया है। हमें वैसे भी बहुत तेज भूख लग रही है, तो इसको खाने के बाद हम आपको व्यू देते हैं कि ये कैसा बना। वैसे मैंने बड़ा एक टेस्ट करा है, तो बड़ा तो सुपर बना है। जो ये रिसोर्ट का फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ से भी आप व्यू देखिए, बहुत शानदार व्यू है। ये नीचे इस रिसोर्ट्स में पार्किंग की भी फैसिलिटी दे रखी है, सिक्योरिटी वाइज भी कैमरा वगैरह सब लगे हुए हैं।
रास्ता खराब होते हुए वो निकल भी जाए नहीं निकलती, एक घंटा कह रहा अभी ये तो सामान ही था, रस्सियां वगैरह कुछ भी नहीं, वो कह तो रहा है कह रहा ना रस्सियां ना कुछ है, कीचड़ गेट तक तो पूरा कीचड़ भरा हुआ ऊपर तक, कह रहा अभी रुकना ही पड़ेगा आधे घंटा। चक्की हमारी किस्मत में नहीं होगी, कोई बात नहीं, चक्की नहीं तो तीर्थन रिवर चल लेते हैं, वो चलेंगे पहले मंडी, मंडी सेव ले। दस हे गाइस व्हाट्सएप। तो अभी हम आए हुए हैं मंडी में फल लेने, तो जैसे कि देख रहे हो हमने अनार लिया है और सेब लिए हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ पे, तो खा के भी पता है, खा के पता चलेगा कैसे क्या होता है। तो अभी तो ये तो हमने ले लिए हैं। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं जैसे कि देख सकते हो, तो आओ फटाफट आओ ना, फटाफट आओ, जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी देख पाओगे, आ जाओ। ये देखो यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा होगा तुम सबको, देखो बहुत ही बढ़िया व्यू, लोग तरसते हैं दिल्ली वाला, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो आई मस्ट से तीर्थन वैली जरूर आना। So we are at Tirthan River, amazing view. Yes, thank you for watching this video. I hope you like this video as much as we are enjoying this vacation. You are also enjoying with us at your home. So please like, share and subscribe to Sarthak Tea Style right now. And please हमें Instagram पर भी follow कर लें, हमारा handle यहाँ कहीं पर आ रहा होगा और description में ही मैं link डाल दूंगा, तो please 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 हमें follow करें, और ऐसी natural beauty और ऐसे vacation vlogs के लिए हमें subscribe करके रखें और bell का घंटा भी दबा के रखें तंग करके। अच्छा तो कितना टाइम लगेगा इसको पकने में, कितना ही होता ही है। अच्छा चलो बढ़िया, ये चीज तो हाँ बढ़िया चीज है, Thank you.
वादियां ये फिजाएं बुला रहे हैं तुम्हें, ये वादियां ये फिजाएं बुला रहे हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियां ये फिजाएं बुला रहे हैं तुम्हें। झुके झुके से घटाएं बुला रहे हैं तुम्हें। ये है वेज बिरयानी, आज का लंच है वेज बिरयानी, बहुत अच्छी लग रही है देखने में तो एकदम बढ़िया। अभी खा के बताते हैं कैसी बनी है। सैलेड और रायता। मैं जहाँ रहूं मैं। ये भैया घिया देख लो कितना शानदार है, साइज देखो ना, साइज देखो, ये कम से कम भी 3 किलो का होगा, 4 किलो का घिया। आओ हमारे, ये आपकी नई फ्रेंड बन गई है तेरी याद।
नमस्कार फ्रेंड्स, ये सुबह के 6:15 हुए हैं और हम वापसी दिल्ली के लिए निकल रहे हैं तीर्थन से। ये तीर्थन रिवर रिसोर्ट है, देखिए आप। 3 दिन हमारे बहुत बढ़िया गए, यहाँ पे खाना वाना सब बढ़िया फर्स्ट क्लास रहा, गेमिंग रही, रहने का बहुत बढ़िया इंतज़ाम है, गाड़ी की पार्किंग मिली हमें। और ये सब हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये स्टाफ मिला, ये कुक है बहुत बढ़िया, ये इन्होंने हमारा दिल लगाए रखा बातों से, और खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, बच्चे दोनों बहुत बढ़िया हैं, सब मिलनसार हैं। ये काशी है, इसने हमें गाइड ये हमारा बना, इसने जीवी वाटरफॉल वगैरह घुमाया, हमारा टूर बहुत बढ़िया गया कीर्तन का, जीवी ये घुमा के लाया। खाना अगर आपने बढ़िया खाना है तो यहाँ, और ये तुम्हें बढ़िया गर्म गर्म खाना बना के खिलाएंगे। अब हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए भैया, आगे का हाल आपको बताते हैं। थैंक यू। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।